बच्चों, आज हम क्या करेंगे बेटा? नव भारती की किताब में पाठ 10 गोपी, कल जो हमने बुक रीडिंग किए हैं, इसका आज हम क्या करेंगे? अभ्यास वर्क करेंगे, बुक वर्क करेंगे, ठीक है? पेज नंबर 64 ओपन कीजिए, देखते हैं सबसे पहला हमारा बुक वर्क क्या है। दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों पर गोला और क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। विशेषण शब्द पे गोला लगाएंगे और क्रिया, जो क्रिया करते हैं, कार्य करते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। उस शब्दों उन शब्दों पे हम क्या करेंगे? लाइन या रेखा खींचेंगे। देखिए पहला क्या है, गोपी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। गोपी कैसे झोपड़ी में रहता था, इसकी विशेषता क्या है? झोपड़ी की छोटी सी, तो इस पर हमने गोला किए हैं। और वो उसकी क्रिया क्या है, कौन सी क्रिया कर रहा है? रहता था। आगे देखते हैं, गुलाबी नीली चाक से गिनती लिखी। कैसे चौक से? गुलाबी और नीली, ये क्या हुई? विशेषण। ये क्या हुआ? चौक की विशेषता, गुलाबी और नीली से गिनती लिखी। चौक से क्या की? गिनती लिखी। उसने कौन सी क्रिया की? लिखने की क्रिया की, है ना? तो इस पे लाइन खींचेंगे। आगे है, काले बोर्ड पर अक्षर चमक रहे थे। काले बोर्ड पर क्या होता है? बोर्ड कैसा है? काला, तो काला बोर्ड की विशेषता हुई, इस पे गोला करेंगे। अक्का बोर्ड पर अक्षर चमक रहे थे, उसकी क्रिया क्या थी उस बोर्ड की? कि उसमें अक्षर चमक रहे थे, तो रहे थे क्या है हमारी? क्रिया हुई। मास्टर जी ने नई कॉपी और पेंसिल दी। अब यहाँ पे कॉपी की विशेषता कैसी है? नई है कि पुरानी है? नई है, तो नई पे हमने सर्कल किए हैं। और पेंसिल दी, मास्टर जी ने कौन सी क्रिया की? देने की क्रिया, उन्होंने दी। ओके, अभी आगे देखें, पेज नंबर 65 ओपन कीजिए, देखते हैं सेकंड वाला क्या है। उदाहरण के अनुसार और लगाकर लिखिए। आपको यहाँ पे जो उदाहरण दिया है, मैं आपको समझा रही हूँ, उसको और लगा के लिखना है। और ये आपका क्या है बेटा? होमवर्क है। इसको क्या करना है आपको? होमवर्क करेंगे। जैसे मैं समझा रही हूँ, जैसे यहाँ गुलाबी नीली लिखी है, लेकिन इसमें आपको क्या लगाना है? और लगाना है। बीच में क्या लगाएंगे? और, गुलाबी और नीली, ठीक है? अब नेक्स्ट ऐसा ही है, कॉपी किताब, तो उसको कैसे बीच में और लगा के कैसे लिखेंगे? कॉपी और किताब। ये बाकी का आपका होमवर्क है, इसको आप क्या करेंगे? होमवर्क करेंगे बुक वर्क में, ठीक है? बुक में लिखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं हमारा कौन सा अभ्यास वर्क है। गोपी पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, उसी तरह वह निम्नलिखित कामों को करने के लिए कहाँ जाएगा? यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, उससे देखते हैं क्या काम उससे होता है, या उसे क्या नया, क्या चीज हम उसे बोलते हैं, कहाँ जाएगा, इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और लिखने के लिए। देखिए पहला है, शाम को खेलने के लिए। शाम को खेलने के लिए गोपी कहाँ जाएगा? मैदान में। ख है, जूते बनवाने के लिए मोची के पास। फल लेने के लिए फल की दुकान में। मिट्टी का घड़ा लेने के लिए कुम्हार के पास। आया समझ में आपको? जैसे कि गोपी पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, वैसे यहाँ पे कुछ काम लिखे हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे तब वो काम होगा, ठीक है? समझ में आ गया आपको? आगे है, बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इसको देखते हैं, फिर आपका बुक वर्क इसको आपको करना है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए क है, बहुत हुआ अब अंदर चलो। जब हम बहुत देर तक खेलते हैं, आप लोग बहुत देर तक खेलते हैं, पढ़ाई नहीं करते, तो आपके मम्मी बोलती होंगे ना कि अब बहुत हुआ अंदर चलो। तो जब हम बहुत देर तक खेलते हैं, ठीक है? अब सेकंड है ख, बहुत हुआ अब चुपचाप बैठो। जब हम बहुत बोलते हैं, ठीक है? अब आगे है, बहुत हुआ अब टीवी बंद करो। जब हम बहुत देर तक क्या करते हैं? टीवी देखते हैं, तब आपके मम्मी पापा कहते होंगे ना, बहुत हुआ अब टीवी बंद करो। जब हम बहुत देर तक टीवी देखते हैं। बहुत हुआ अब उठ जाओ। जब हम खूब देर तक सोते हैं, ठीक है? जब हम बहुत देर तक सोते हैं, तब हमारे मम्मी पापा हमें क्या कहते हैं? बहुत हुआ अब
उठ जाओ। ये सब बुक में आप फिल करेंगे, ठीक है।